नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रिमिश्रा पर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर चाइल्ड स्किल्स। छोटे बच्चों को किस तरह हम लोग मोटिवेट करें, उनके स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करें, इस टॉपिक पे ही हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले मेरी एक बेटी है, एक बेटा है, ठीक है। तो हम अपने बच्चों से स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम जब वो छोटे थे तो किस तरह शैतानियाँ करते थे, किस तरह बदमाशियाँ करते थे। उसके बाद फिर कैसे कैसे वो उनमें इम्प्रूवमेंट आया है कि अगर एक को चीज़ मिलता है तो दूसरा दूसरा मेरे को क्यों नहीं मिला, इसको अगर दीजिए तो उसको वो बोलेगा कि मेरे को क्यों नहीं मिला, ठीक है। मतलब अभी इतनी समझदारी नहीं है दोनों में कि हाँ मैं बड़ी हूँ तो मैं उसको दूँ या ही मैं छोटा हूँ मेरी दीदी है। तो इस ये हर फैमिली में हर जगह होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती है, बड़े होते हैं तो फिर वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आ गया। वो अब उसको मैं भेजती हूँ, वो जाके खरीद के पैसा जोड़ के सब चीज़ करके वो ले आती है। छोटा वाला अभी छोटा है इसलिए वो जाता नहीं है, वो घर पे ही अगर मैं अपनी बेटी को कुछ काम देती हूँ, कुछ बताती हूँ उसको कि तुम जो है कि ये कर लो, तो छोटा वाला बोलेगा सिर्फ दीदी करेगी, मैं नहीं करूँगा, मुझे भी काम। मतलब इससे क्या है कि वो मतलब एक तरह से उसमें एक्साइटमेंट आता है कि वो कर रही है तो मैं भी करूँ। इसी तरह बच्चे को तो मैं एकदम जेनरली और एकदम ईजी वे में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे को किस तरह से इम्प्रूव करना है और किस तरह से, मतलब जब उनको पढ़ाना है, ठीक है, जब पढ़ाने आप बैठते हैं उसके पास, तो ये नहीं कि आप उनको जो है कि पुश करते रहे, मतलब दिन भर पुश करते रहिए कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इससे क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट उनका डाउन हो जाता है कि मुझे लगता है सिर्फ पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उनके समझ में वो फील बैठ जाता है। इसलिए हमेशा हर टाइम एनी टाइम नहीं बोलना चाहिए बच्चे को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। उसके बाद उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है ये आपको जानना जरूरी है कि खेलने में इंटरेस्ट है या फिर पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है या फिर किसी काम को लेके वो इंटरेस्ट है, उसको आपको जानना जरूरी है। वो जब आप उसके उसके साथ रहेंगे, उससे बातें करेंगे, फिर वो आपको जानेगा, आपको भी समझेगा। उसके बाद क्या है कि जब अब मान लीजिए उनको पढ़ाना है, ठीक है, जब उनको पढ़ाना है तो आप ऐसे बोलेंगे डांट के, जाओ जाके पढ़ो। कभी कभी मदर्स लोग करती है, कभी कभी मैं भी करती थी, तो वो नहीं करना है, ठीक है, वो नहीं करना है। प्यार से उनको बोलना है कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, आज ये एक्साइटेड मैडम ने भेजा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के वजह से और इतने बड़े बीमारी के वजह से हम लोग स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, घर पे ही हर चीज़ किया जा रहा है, पढ़ाई किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि ध्यान देना पड़ता है खुद, मदर्स लोग को, पेरेंट्स लोग को खुद ध्यान देना पड़ता है। तो आपको क्या करना है कि बच्चे को बोलना है कि आज जो एक्टिविटी मैम ने भेजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसको करना होगा, इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। फिर बच्चे एक्साइटेड होते हैं और उसको करने के लिए मोटिवेट होते हैं और आगे करते हैं। और उनसे थोड़े थोड़े बातें किया कीजिए, प्यार से बातें किया कीजिए, इससे भी उन्हें फ़ायदा होता है। उनको मतलब अंदर से फील होता है कि गुड फील होता है कि मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी प्यार किया जाता है, मुझे भी जो है कि मैं भी इस घर का मेंबर हूँ, मैं भी ये हूँ, मतलब वो अंदर से फील करते हैं। एनी टाइम उसको बोलते रहेंगे आप ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो तो फिर वो अंदर से परेशान हो जाते हैं। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं कोई काम टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इजी वे में जैसे घर पे
बातें किए जाते हैं उसी तरह मैं समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हम लोग किस तरह से छोटे बच्चे को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे बातें करके कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें स्टोरी वगैरह सुनाइए, फिर उनके पढ़ाई में इंटरेस्ट जगेगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ कीजिए उनके साथ, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कुछ कीजिए, कुछ बनाने का कोशिश कीजिए, कार्टून बनाइए या उनके साथ गेम खेलिए, ये सारी चीज़ें आप उनके साथ कीजिए। फिर सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वो अपने अंदर से मोटिवेट होते हैं मुझे ये भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप थर्ड नंबर पर, आप जब उनके साथ पढ़ाई करते हैं तो खुद भी कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खुद भी कीजिए, उसके बाद उनसे भी करवाइए, वो भी करें, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। फिर जो है कि आप उनके साथ मस्ती कीजिए, खेलिए, पासिंग बॉल खेलिए, या फिर उनके साथ अगर उनको बैट बॉल पसंद है बैट बॉल खेलिए, या फिर उनको गेम पसंद है कुछ भी बैठ के या फिर खेल के, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, तो जैसे भी उनको गेम पसंद है उसके साथ खेलिए, फिर उनको मन लगेगा और वो टाइम स्पेंड आपके साथ करेंगे, फिर आपकी बातों को सुनेंगे और आपके आप उनकी बातों को समझेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की जो वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज जो हाउ टू स्किल इम्प्रूव योर चाइल्ड था, बच्चों का कैसे स्किल हम लोग डेवलप कर सकते हैं, इस पर ही बातें थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और आगे इस तरह की और वीडियो बनाऊंगी।